नमस्कार, ये है हावड़ा जंक्शन, जहाँ से कि आज हम लोग हावड़ा जंक्शन से होकर कई जगहों पर घूमेंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग पहुँच गए अभी हावड़ा ब्रिज। ये हुगली नदी के ऊपर जो है हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, जो कि दो ही पिलर पर ये पुल बना हुआ है। देख सकते हैं कितना ही मस्त नज़ारा है यहाँ का, और ये बहुत ही अपने आप में मायने रखता है इस पुल में। अब देखिए, ये हुगली नदी पर बना हुआ, और यहाँ से हम लोग जहाज़ भी पकड़ करके उस पर बाबू घाट जाते हैं। और ये जो हुगली रिवर, यानी कि ये बहुत ही गहरा रिवर है, और ये देखिए जो जहाज़ जा रहा है। अभी हम भी कुछ ही समय में इस पार से हम उस पार जाएंगे, और कई सारे पार्क हैं ये नदी पर, हुगली रिवर पर बना हुआ, उस पर भी हम लोग जाएंगे और घूमेंगे। यदि आप लोग कोलकाता हावड़ा आते हैं तो ज़रूर इस जगह पर आए। आपको यहाँ पर 6 रुपया का टिकट लगता है और इस जगह से ले जाते हैं। वो जो आपको दिख रहा है, देख लीजिए, इसी जहाज़ पर हम लोग चढ़ करके उस पार जाएंगे। देख लीजिए, अभी जस्ट ये जहाज़ आया, और कई सारे जहाज़ यहाँ पर आते रहते हैं, एक जाते एक आते। इसमें देखिए पैसेंजर भर भर के जाते हैं, और इस पर घूमने का जो आनंद है वो एकदम मस्त आनंद है। देखिए, इस जहाज़ में कई लोग सवारी करते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए कुछ दूर तक जाते आते हैं और इस पार से उस पार जाते हैं, और कई लोग डेली जो ऑफिस जाने वाले होते हैं वो हावड़ा पुल होकर के नहीं जाते, इसलिए उधर से बहुत सारा जाम होता है, और गाड़ी मतलब उधर से जाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन इस साइड से बस कुछ ही समय में आप इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, यानी कि इस छोर से उस छोर जा सकते हैं। देख सकते हैं आप जहाज़ किस तरह से जा रहा है, और इसका ज़्यादा टिकट नहीं, मात्र 6 रुपया लगता है। सोचिए, आज के दौर में कोलकाता जैसे बड़े शहरों में 6 रुपया टिकट लेना, यानी दैट इज़ ओनली 6 रुपीज़, बहुत ही कम, यानी कि लो प्राइस है। और इसी जहाज़ पर बैठ करके अभी मैं और अब मैं भी कुछ ही पल में जहाज़ पर सवार होकर के इस छोर से उस छोर जाने वाला हूं, और मैं जहाज़ पर चढ़ने के बाद में दिखाऊंगा कि कितना आनंद आता और किस तरह का सीन दिखाई देता है हावड़ा में। और ये हावड़ा से कोलकाता जाने का ये बहुत ही शॉर्टकट रूट है, यानी कि हुगली रिवर में जहाज़ के द्वारा। अब मैं देखिए जहाज़ पर चढ़ गया हूँ, और जहाज़ पर देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं सीट पर, और मैं तो खड़ा हूँ। और क्यों इसलिए खड़ा हूँ कि देखिए वे बाहर का कैसा मस्त आनंद और जगह है, उस चीज़ को मैं देखना चाह रहा हूँ, और आप लोगों को मैं भी दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, और पानी इतनी ज़्यादा है कि कई सारे जहाज़ देखिए चल रहा है इसमें भी, और वहाँ से आप अपने आनंद को ले सकते हैं। और आप जब भी यहाँ आइए तो ज़रूर एक बार इस जहाज़ का सवारी कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, पानी तो इस समय भी इतना है कि यदि कोई डूब जाए बंदा तो उसको उसका मतलब नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस जहाज़ पर आपको किसी तरह की कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आइए और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। ये देखिए नदी इस साइड से, वो ये हम लोग अभी हावड़ा से कोलकाता की तरफ देख रहे हैं, वो कोलकाता शहर है, यानी कि नदी के इस पार हावड़ा और नदी के उस पार कोलकाता है। अब कुछ ही पल में हम लोग जो है बाबू घाट पहुँचने वाले हैं, और वहाँ से पहुँचेंगे फिर हम लोग जो है घूमने के लिए भी जाएंगे पार्क में। देखिए, हम अभी जहाज़ पर ही हैं, और जहाज़ पर ही सवार होकर के इधर से उधर जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना ही मस्त जगह है, पानी, और पानी यहाँ का तो इतना फास्ट इसका करंट होता है कि इस करंट को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि जनरल रिवर से यहाँ का पानी का जो करंट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और गहराई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है इस पार से उस पार, यानी कि कुल मिलाकर के 5-6 मिनट लगता है जो कि आप इधर से उधर पार हो सकते हैं। लेकिन जहाज़ थोड़ा सा आपको घुमा करके ले जाएगा, जो कि आपको थोड़ा सा घूमने में भी आनंद आए। और इस जहाज़ को पकड़ने के लिए आप जो है रेलवे स्टेशन से अपोजिट साइड आएंगे रिवर के साइड में, तो आपको देखिए जहाज़ पर चढ़ने के बाद आपको ये जो है हुगली ब्रिज, यानी कि ये जो सेतु है, इस सेतु को देखने में आपको आनंद आएगा।
कितना ही मस्त है। देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं जहाज़ पर, कुछ लोग बैठे हुए हैं आनंद से किसी प्रकार। लेकिन मैं जिस समय में गया था वो एकदम बारिश का समय था। कुछ ही समय रहने के बाद जब मैं उधर से वापस आया तो बहुत ही बारिश हो रहा था, और उसी समय ये बारिश का पानी इसलिए बहुत ही लाल है और ओवर पानी है, ओवर वाटर फ्लो हो रहा है नदी में। और देखिए कई सारे जहाज़ हैं जो कि उस जहाज़ में जा रहा। अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। अब लीजिए हम लोग पहुँच रहे हैं। अब ये देखिए कुछ इस समय में पहुँचेंगे। हाँ, ये पार्क पहुँच गए हैं और इस पार्क में घूमने का आनंद, ये जो जस्ट नदी के किनारे में है, हुगली रिवर जो है कहते हैं उसके किनारा पर ये जा पार्क बनाया गया है, जो कि लोग अच्छे से आनंद ले सके। देखिए इस साइड से अब हम लोग पहुँच रहे हैं, यह है विक्टोरिया मेमोरियल पार्क, जहाँ पर कि लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर जाते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पार्क इज़ ए फेमस प्लेस इन कोलकाता, बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ से बाहर का जो ये बिल्डिंग है उसका देखने का ही आनंद कुछ और है। दोस्तों अब तक अभी तक वीडियो जो देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना भी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरह का जो ये जगह है बहुत ही झकास जगह है, यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आता है। और ये पार्क जो है, पार्क में जब लोग आते हैं तो घंटों घंटों यहाँ पर अपना समय को व्यतीत करते हैं। आप भी आनंद ले सकते हैं इस जगह पर, यहाँ आए तो ज़रूर एक बार घूमने के लिए आए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क में तालाब है, पौंड है, जिससे कि लोग घूमते हैं चारों बगल आराम से। और यहाँ का जो ये बिल्डिंग है, जो इसको विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं, इसका जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, बहुत ही गजब का है। स्ट्रक्चर को जब नज़दीक से हम लोग देखेंगे तो बहुत ही मस्त लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो ओल्ड टाइम का जो उसमें विक्टोरिया मेमोरियल का पार्क जो बनाया हुआ है तो एकदम अलग ही है। आज के समय में उस तरह का बिल्डिंग को बनाना बहुत ही अनोखा कहा जाएगा। देख सकते हैं इस पार्क में ये तालाब कितना मस्त है, इसमें कई सारी मछलियाँ भी है। आप जब यहाँ आएंगे तो ज़रूर इसको घूमना। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, को नज़दीक से हम लोग देखेंगे क्या ही इसका बनावट है। ये नहीं कि कहा जाए तो एक राजा भवन की तरह है, और ये पूरा टाइल्स लगा हुआ है इसके चारों साइड में, देख सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा भी आप देख सकते हैं कितना ही मस्त जगह है। और यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा नहीं, आप जब हावड़ा स्टेशन आएंगे तो हावड़ा स्टेशन से आने के लिए आपको 15 या 20 रुपया आपको चार्ज लगेगा बस के द्वारा, और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब किसी को भी बोलेंगे, बस वाले को भी विक्टोरिया मेमोरियल पार्क जाना है, तो आप उस पर से चढ़ करके बस यहाँ पर आ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट का दाम लगभग 50 रुपीज़ के लगभग होगा, और उसके द्वारा आप इसमें आ सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा म्यूज़ियम भी है जो कि आप घूम सकते हैं, अंदर में घूमते घूमते आपको बहुत समय लगेगा। दोस्तों मैं वीडियो के अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।